अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस, आपको आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे, इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं, सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना, जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन यह कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने दूंगा, दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे बिल्कुल।